भाइयों और बहनों, ये मानव स्वभाव है कि जब किसी की एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें अगली आकांक्षा जाग जाती है। जैसे किसी को सामान्य सा मोबाइल मिल जाए तो फिर उसका मन करता है कि कुछ दिन बाद वो और अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाए। इसी प्रकार जब विकास भी नई आकांक्षाओं को जन्म देता है, जिन गांवों में सड़क आ गई वहां सिंगल पट्टी है तो डबल पट्टी मांगेंगे, डबल पट्टी है तो ऑल वेदर रोड की आकांक्षा बढ़ती है, जहां हाईवे आ गए, रेल आ गई, वहां लोग एयरपोर्ट चाहते हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं ले लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है, उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं, मुझे गर्व है, मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा।